5.10 तक जो है वो मल्टीप्लिकेशन था, अब चैप्टर डिवीजन जो है यह हम जो है शुरू कर रहे हैं। डिवीजन में एक्सरसाइज 6.1 में, 6.1 में कहता डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो नंबर ए है इसका 259 बाय 6, यानी डिवाइड है 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे 259 को, तो 6 से यहाँ तो 6 4 या 24, तो 5 में 4 गया 1, ये 2 कैंसिल, तो 9 6 3 जाए 18, 9 में 8 गया यहाँ 1, ये 1 ध्यान यह देना है कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम डिवाइजर कहते हैं। जिस संख्या में भाग देते हैं वह डिविडेंड कहलाता है। और डिवाइजर से डिविडेंड को भाग करने पर जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं क्वेश्चन। नीचे जो राशि बचती है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पर मतलब जो कह रहा है कि डिवाइड एंड चेक योर आंसर, चेक का है यहाँ पर फॉर्मूला है कि डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर तुम्हारा है 6, क्वेश्चन है 43 और रिमाइंडर है 1। तो पहले यहाँ पर दो चिन्ह मल्टीप्लायर प्लस, पहले मल्टीप्लाई की क्रिया करेंगे तो 6 3 जा 18 के 8 हासिल 1, 6 4 जा 24 और 1 25 प्लस 1 यह हो गया 259। तो डिविडेंड जो यहाँ 259 है, तो 259 आ गया। इसका अर्थ है कि यह डिवाइड जो बना है वह आंसर हमारा सही है। यह हो गया चेक। इसी प्रकार से जो है जो भी सवाल है ऐसे लेकर यहाँ एल तक, इसी प्रकार से इसको बनाना है। तो यह था 1 डिजिट का। आगे है तुम्हारा 2 डिजिट का डिवाइड। इसी में एक सवाल और देख लो। अब जैसे है यहाँ एफ है 9 से डिवाइड करना है 2048 को, तो 9 2 जाए 18, 10 8 2 यह कैंसिल, उतरा यहाँ 4, 9 2 जा फिर 18 ही 14 8 6 यह कैंसिल, उतरा यहाँ 8, 9 7 जा 63, 8 3 गया यहाँ 5। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन इज इक्वल टू 227 और रिमाइंडर जो है यहाँ 5, तो आंसर तो यही हो गया। अब हमको चेक करना है यानी डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर।
यह डिवाइजर तुम्हारा है 9, क्वेश्चन है 227, रिमाइंडर है 5। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63 के 3 हासिल 6, 9 2 जा 18 और 6, 24 के 4 हासिल 2, 9 2 जा 18 और 2 20, इसमें प्लस करेंगे 5 5 3 8, यहाँ 4 यहाँ 0 यहाँ 2। यहाँ पर यह जो है डिविडेंड जो है 2048 है, तो यह 2048 आ गया, बस यही इसी तरह से चेक कर देना है।